यह ऑनर आसामी अशोक टंडन एक बड़ा ही खतरनाक अपराधी है, समाज का कलंक है, मानवता का शत्रु है, अपने को सौंपे गए उत्तरदायित्व और विश्वास का गलत इस्तेमाल करके इसने न सिर्फ बैंक के 10 लाख रुपयों की चोरी की है बल्कि न जाने कितने गरीबों के जीने का सहारा छीना है, उनकी रोजी व रोटी छीनी है। इसे जो भी सजा दी जाए वो कम है। अदालत बिना किसी शक और शुबा के मुजरिम अशोक टंडन को मुजरिम मानती है और इसके जुर्म के लिए इसे 7 साल की कैद बा मशक्कत की सजा देती है। देखो अशोक, आज तुम्हें रिहा किया जा रहा है। जी, आज? हाँ। थैंक यू सर। ये लो तुम्हारा मेहनताना, 315 रुपए। ये लो, यहां दस्तखत करो। गिल लो। ठीक है सर। जो भी, ये 300 रुपए की छोटी सी रकम तुम्हारे लिए क्या है ना, मगर कमाल है कि बैंक से उड़ाकर 10 लाख रुपए की रकम कहां छुपा रखा आज तक पुलिस नहीं पता लगा सकी। अब जाओ, दौलत निकालो और ऐश करो। इनके कपड़े दे दो। मां, मां, मां। कौन? किससे मिलना है? सावित्री देवी यहां रहती है ना। सावित्री देवी? ओ, वो बुढ़िया जो पहले यहां रहा करती थी। जी हाँ, मेरी माँ है। तुम सावित्री देवी की लड़की हो? जी। तुम्हें बैंक से 10 लाख रुपए उड़ाए थे। खैर, जो किया था अच्छा किया था, लेकिन उस बुढ़िया के लिए कोई इंतजाम नहीं कर सके, और आज आए हो माँ को पूछने के लिए। वो बेचारी गम में पागल होकर मारी मारी फिरती रही और एक दिन ट्रक के नीचे दबकर मर गई। मर गई? तुम तो जानती थी मैं बेकसूर हूं, फिर क्यों चली गई मां? फिर क्यों चली गई? दीपा ने भी तेरा ख्याल नहीं किया मां। ए बाबू, किसको मिलना है? दीपा है ना घर में। कौन दीपा? यहां पर दीपा बा कोई नहीं, ये बैरिस्टर अमरनाथ का बंगला है। क्या हो गया? सब खो गए। टोनी, ये टोनी, ये अशोक टंडन तो नहीं है? अरे हाँ, ये तो वही है। क्यों बाबू, 10 लाख रुपया मारने के बाद भी ये हाल? माल का रखा है प्यारे? अरे कम से कम बढ़िया किस्म का सूट और इम्पाला। पीछे दो लाला। क्या बोला, क्या बोला है? शर्मा गया, शरीफ चोर है, शरीफ। भाई साहब, अशोक भाई साहब, आपने मुझे पहचान नहीं? मैं समीर हूँ, समीर। आपके हाथ के नीचे सिटीजन बैंक में काम किया करता था। जानता हूँ, तो क्या कहना है? मुझे आपसे बात करनी। यही पूछना चाहते हो कि मैंने बैंक का 10 लाख रुपए कहाँ रखा है? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो कभी माना ही नहीं कि यह आपका काम था, बल्कि मैं तो ये जानता हूँ कि इसमें किसकी साजिश थी। साजिश? किसकी साजिश? यही तो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ। आपके सामने जी हाँ करने वाले लोगों ने सिर्फ आपको फंसा ही नहीं, बल्कि आपके साथ इंसाफ भी नहीं होने दिया। आपका केस लड़ने वाले बैरिस्टर साहब को भी उन्होंने खरीद लिया था। ठहरिए, मैं आपको एक चीज दिखा। इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो जगत बाबू है। और ये? ये रमाकांत। ये हरीश बाबू। ये बैरिस्टर साहब। ये देखिए किस तरह से हरीश के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं आपके बैरिस्टर साहब। आजकल इन लोगों में बड़ी गहरी दोस्ती है। हाँ, अभी नहीं मानेंगे? मैं समझ गया समीर,
इस कुत्ती को मैं 7 साल तक न सुलझा सका, आज तुमने सुलझा दी। अब पता चला ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेरे हाथ में साबुन का झाग कहां से आया था। आपको सजा हुई, राय साहब का सम्मान गया, बैंक बंद हो गया, लेकिन ये लोग लखपति बन बैठे। जाहिर है कैसे बने भाई साहब, आपको कुछ करना चाहिए। जमीर अब हो भी कह सकता है, जो होना था सो हो गया, मैं तो सजा भी काट के आ गया। अच्छा भाई मैं चलता हूं। चलिए ना हमारे घर चलिए, मैं अक्सर घर में आपका जिक्र करता हूं, कुछ दिन हमारे साथ रहिएगा। नहीं समीर, अब यहां रहने को मन नहीं करता, मैं कहीं दूर चला जाना चाहता हूं। कहां जाएंगे? मेरे विद्यार्थी जीवन का एक मित्र है प्रेम प्रकाश, उसी के पास जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा।